नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रेट जीरो चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश 2018 के करंट अफेयर्स अगस्त महीने के। दोस्तों जुलाई तक के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर कवर हो चुके हैं और आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। अगस्त के ऊपर टोटल मैंने 3 पार्ट बनाए हैं एंड दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट। तो दोस्तों ये जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो सारे एमपी स्पेसिफिक हैं, एमपी की न्यूज़ से रिलेटेड है और ये आपको एमपीपीएससी के एग्जाम में मदद करेंगे, स्पेशली इन प्रीलिम्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। आज का दोस्तों सबसे पहला करंट अफेयर है कि मध्य प्रदेश में जो पर्यटन विभाग है, मतलब पर्यटन का मतलब टूरिज्म, तो जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने भोपाल में जो स्थित एक ताजमहल है उसको हेरिटेज होटल बनाने के लिए लीज पे दे दिया है। ठीक है, तो पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं जो ये ताजमहल होटल जिसको हेरिटेज होटल बनाने की बात की गई है ये कहां पर है, तो आपको याद होना चाहिए ये भोपाल में है। ठीक है, सो प्लीज डू रिमेम्बर कि जिस ताजमहल की बात की जा रही है ये आगरा वाला ताजमहल नहीं है, ये ताजमहल है जो भोपाल में स्थित है और इसको लीज पे दे दिया गया है। अब ये एक हेरिटेज होटल के तौर पर काम करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। देखिए आपको एक बात बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई, इसके दो कंपोनेंट है, एक है ग्रामीण और एक है आपका क्या कहते हैं शहरी यानी अर्बन, ग्रामीण यानी रूरल और ये अर्बन। तो इस प्रधानमंत्री आवास योजना का मेन मकसद क्या है कि जो भी होमलेस लोग हैं जिनके पास घर नहीं है उनको घर प्रोवाइड किए जाए। अर्बन के तहत ये डिसाइड किया गया है कि दो लाख घर बनाए जाएंगे। ठीक है, और इसमें सॉरी दो लाख बोल रहा हूं मैं, 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे 2022 तक और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे, 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे 2022 तक। ठीक है, तो ये इसके टारगेट्स हैं। अब इसी में ये एक खबर आई है कि अगर एमपी में कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगर 2/3 लक्ष्य को भी हासिल कर लेता है तो उस जिले को 2.5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। तो पेपर में यह पूछा जा सकता है कि भाई जो जिले हैं अगर वो 2/3 लक्ष्य कंप्लीट करते हैं तो उनको कितने रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी, तो याद रखना 2.5 लाख रुपए की। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है जनपद स्तर पर, यानी आप एक तरीके से समझ लीजिए कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, अगर 80% आवास यानी घर बनाए दिए जाते हैं तो हर एक प्रत्येक जनपद को 1 लाख रुपए मिलेंगे। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ऐसा जिला है, ऐसी कोई पंचायत है जिसने 100% लक्ष्य हासिल कर लिया होगा, ठीक है, तो उस केस में उस ग्राम पंचायत को 5 परमेश्वर योजना के तहत सीसी सड़क और पक्की नाली के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये टारगेट्स हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और क्या कहते हैं विलेज लेवल पे पुरस्कार दिए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर 2/3 टारगेट कंप्लीट होता है तो मिलेंगे उनको कितने, 2.5 लाख रुपए। अगर ब्लॉक लेवल पे अगर उनका 80% काम कंप्लीट हो जाता है तो उनको मिलेंगे 1 लाख रुपए और अगर ग्राम पंचायत लेवल यानी विलेज लेवल पे अगर 100% लक्ष्य हासिल कर लिया जाता है तो पंच परमेश्वर योजना के तहत 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। किस चीज के लिए, सड़क बनाने के लिए और नाली यानी ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए। तो प्लीज डू रिमेंबर दिस फैक्ट। आगे चलते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट इवेंट है अगस्त महीने से रिलेटेड वो है चुनाव के बारे में। तो इसमें यह बताया गया था कि चुनाव ड्यूटी में जितने भी अधिकारी या कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका डेटाबेस तैयार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था एमपी में। क्या लॉन्च किया गया था, एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था। इस सॉफ्टवेयर का नाम था इलेक्शन पर्सोनल डिप्लॉयमेंट सिस्टम, मतलब इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, चुनाव पर्सोनल यानी जो कर्मचारी हैं जिनको डिप्लॉय किया गया इलेक्शन ड्यूटी के लिए उनको उनका डेटा मैनेज करने के लिए एक सिस्टम डिप्लॉय किया गया था। तो पेपर में पूछा जा सकता है इलेक्शन पर्सोनल डिप्लॉयमेंट सिस्टम का मेन मकसद या ऑब्जेक्टिव क्या था, तो याद रखना इसका मेन मकसद या ऑब्जेक्टिव था डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना ऑफ दोज एम्प्लॉइज हु आर एंगेज्ड इन द ड्यूटी ऑफ इलेक्शन। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, तो प्लीज याद रखना चुनाव ड्यूटी में जितने भी अधिकारी कार्यरत थे उनका डेटाबेस क्रिएट किया गया है थ्रू आ सॉफ्टवेयर ऑफ इलेक्शन पर्सोनल डिप्लॉयमेंट सिस्टम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये इंपॉर्टेंट इवेंट, एक्चुअली क्या है ये इवेंट नहीं है, इन लोगों के नाम बार बार आ रहे थे न्यूज में तो मैंने सोचा इनको यहां पे इंक्लूड कर लेता हूं। अब ये सारे जो नाम है वो अगस्त महीने के हिसाब से है, हो सकता है इनमें से कुछ लोग अभी तक चेंज हो गए हो तो आप एक बार इनको चेक कर लेना। अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश के जो अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष थे उनका नाम था नरेंद्र मराबी। क्या है, नरेंद्र मराबी, तो प्लीज डू रिमेंबर नरेंद्र मराबी,
ये रहे नरेंद्र मारावी। उसके अलावा मध्य प्रदेश पाठ पुस्तक निगम के अध्यक्ष का नाम था श्री राय सिंह सेंधव, श्री राय सिंह सेंधव। तो प्लीज याद रखना, शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल ट्राइब कमीशन के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है एमपी में श्री नरेंद्र मरावी। उसके अलावा मध्य प्रदेश टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन है, उनका नाम है श्री राय सिंह सेंधव। ठीक है, तो ये रहे आपके राय सिंह सेंधव और ये रहे आपके नरेंद्र मरावी। प्लीज डू रिमेंबर। नेक्स्ट, कुछ और इंपॉर्टेंट नाम। मध्य प्रदेश राज्य यानी एमपी स्टेट अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी आयोग, तो स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष का नाम है नियाज मोहम्मद। प्लीज याद रखना, क्या है नाम? नियाज मोहम्मद। ये सारे नाम एक ही जगह मैंने इंक्लूड कर दिए, सो दैट बार बार आपको कंफ्यूजन ना हो। नियाज मोहम्मद, ठीक है। और जब आप एग्जाम देने जाएं, उससे पहले इन सारे नामों को एक बार चेक कर लें कि वेदर ये बदल गए हैं या नहीं बदल गए। तो मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का नाम है श्री नियाज मोहम्मद। राज्य महिला आयोग यानी नेशनल, सॉरी नेशनल बोल रहा हूं, स्टेट वुमेन कमीशन, स्टेट वुमेन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है श्री लता बानखेड़े, श्री लता बानखेड़े। प्लीज नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का जो नाम है, यानी क्या हो गया, स्टेट के में जो एमपी स्टेट है उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह लीजिए, उसका स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? वी एल कांताराव, वी एल कांताराव। प्लीज डू रिमेम्बर, वी एल कांताराव, ये आई इट एस नहीं है, वी एल कांताराव। उसके अलावा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में स्वरोजगार सम्मेलन को आयोजित किए गए, तो ठीक है, दैट इज फाइन। तो आपको प्लीज ये सारे नाम याद वो होने चाहिए। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाता हूं। देखिए, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के जो अध्यक्ष है उनका नाम है नरेंद्र मरावी। पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष का नाम है श्री राव सिंह सेंधव। उसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है उनका नाम है श्री नियाज मोहम्मद। उसके अलावा महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उनका नाम है श्री लता बानखेड़े, और निर्वाचन पदाधिकारी का नाम है बी एल कांताराव। आई होप याद हो गए होंगे, इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। ये है स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज। इसमें क्या है, एमपी के एक शंकर पांडे तलवारबाज हैं एक्चुअली। और तो पहले बात तो याद रखना है, ये शंकर पांडे, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे एमपी में कि शंकर पांडे किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं, तो याद रखना है ये तलवारबाजी से एसोसिएटेड है। उसके अलावा इन्होंने अभी क्या किया था, इंग्लैंड में जूनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें इन्होंने अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है यानी गोल्ड मेडल जीता है। सो प्लीज डू रिमेंबर कि पहली बात तो शंकर पांडे किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो ये स्वॉर्ड फेंसिंग के साथ, स्वॉर्ड फेंसिंग के साथ एसोसिएटेड है। उसके अलावा इन्होंने अभी रिसेंटली क्या हुआ था, ये इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप हुई थी, जूनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप, उसमें इन्होंने देश के लिए स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। ये उन्हीं के बारे में डिटेल दी गई है कि जो मध्य प्रदेश के फेंसिंग एकेडमी के प्लेयर शंकर पांडे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मतलब बहुत अच्छा गेम खेला और गोल्ड मेडल जीता है। और उसी के बारे में जो एमपी के जो स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर हैं यशोधरा राजे सिंधिया, उन्होंने इनको पुरस्कृत भी किया, मतलब कुछ इनाम या प्राइज वगैरह भी दिए। सो इट इज अबाउट दैट। आगे चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट इवेंट है ये बाल रंग महोत्सव के बारे में। क्या है बाल रंग महोत्सव? तो ये बाल रंग महोत्सव अक्टूबर मंथ में हुआ था। इसमें बच्चों ने अपनी कलाएं दिखाई थी, डांस प्रतियोगिता, पेंटिंग और ये सारी चीजें हुई थी। और ये स्टेट लेवल पे भी हुआ था और नेशनल लेवल पे भी हुआ था। करीब करीब एक महीने लंबा ये बाल रंग महोत्सव था। पिछले जब मैंने आपको जुलाई के करंट अफेयर बताए थे, तब मैंने आपको ये भी बताया था बाल रंग महोत्सव कहां पे हुआ था। तो आप अब मुझे यहां इस कमेंट सेक्शन में ये बताना कि बाल रंग महोत्सव एमपी में कहां पे कंडक्ट हुआ था, कहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो प्लीज डू टेल मी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है मिस इंडिया डेफ 2018 के बारे में। डेफ का मतलब होता है बहरे या डिसेबल्ड, मतलब जो सुन नहीं सकते। सो मिस इंडिया डेफ 2018, इसमें देशना जैन, क्या नाम है, देशना जैन, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी एट द इंटरनेशनल पेजेंट इन ताइवान। तो जो मिस इंडिया डेफ 2018 की विनर थी देशना जैन, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी इंटरनेशनल इवेंट में जो कि ताइवान में होने वाला है। जो देशना जैन है ये एमपी से बिलोंग करती हैं, कहां से, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ये 20 साल इनकी उम्र थी और क्या कहते हैं, वॉन दी मिस इंडिया टाइटल आफ्टर कंपीटिंग अगेंस्ट दी कंटेस्टेंट, सो दैट इज फाइन। तो प्लीज याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है देशना जैन कौन है। तो देशना जैन जो थी वो मिस इंडिया डेफ 2018 नहीं है, और अब ये आने वाले समय में, मतलब इन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल इवेंट में भी क्या कहते हैं रिप्रेजेंट किया है। तो याद रखना, डेफ मिस इंडिया डेफ 2018 नाम है देशना जैन,
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट इज अबाउट द अर्बन प्लानिंग. जो अर्बन प्लानिंग होती है उसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी एमपी में, और ये हुई थी भोपाल में. तो पेपर में पूछा जा सकता है कि जो अर्बन प्लानिंग की नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये कहां पे हुई थी, ये हुई थी भोपाल में. ठीक है, ये एक्चुअली स्मार्ट सिटी वगैरह और इस जो अर्बन एरियाज हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए उसके बारे में ये कॉन्फ्रेंस थी. ये 10 अगस्त 2018 में हुई थी. शहरी नियोजन का अगला चरण विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया. तो प्लीज ये लोकेशन याद रखना, भोपाल में ये आयोजित की गई थी. क्लियर है आप लोगों को? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, इट इज अबाउट द एमपी टूरिज्म अवार्ड 2018. किसके बारे में? मध्य प्रदेश के टूरिज्म अवार्ड. तो ये मध्य प्रदेश के टूरिज्म अवार्ड के लिए क्या हुआ, 36 कैटेगरीज में, 36 श्रेणियों में आवेदन आमंत्रित किए गए थे. मतलब आप 36 कैटेगरीज में आप जो भी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक लोकेशन ले लेते हैं, जैसे ग्वालियर है. तो ग्वालियर में अगर कोई मान लीजिए स्पॉट होगा तो वहां की जो जो क्या कहते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होगी वो वहां पे एप्लीकेशन जमा करेंगी. सो इट इज अबाउट दैट. तो बस आपको यहाँ पे ये बताना जरूरी था कि एमपी टूरिज्म अवार्ड कब ऑर्गेनाइज किए गए थे या कब इसकी एप्लीकेशन मंगवाई गई थी. तो इट इज इन अगस्त. और बाकी आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, एमपी टूरिज्म अवार्ड में कितनी कैटेगरीज हैं, कौन विनर रहा, और बाकी आने वाले करंट अफेयर्स में मैं भी कवर करूंगा. आगे चलते हैं. इट इज अबाउट दी आग खेले जरा. ये आग खेले जरा आप ये देख रहे हो, तो ये एक इवेंट हुआ था एमपी में. कब आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था 29 अगस्त को. आग खेले जरा 29 अगस्त को ऑर्गेनाइज किया गया था. और ये इस दिन क्या किया गया था, सारे सरकारी स्कूल के जो बच्चे थे उन्होंने एक दिवसीय खेल में पार्टिसिपेट किया था, मतलब वन डे गेम्स में पार्टिसिपेट किया था. ये जो आग खेले जरा महोत्सव था ये ऑर्गेनाइज किया गया था जैसा कि मैंने बताया 29 अगस्त को. और 29 अगस्त जो है वो हमारे यहाँ नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है. और यही मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के बहुत महान प्लेयर थे उनकी बर्थडे भी है. तो प्लीज याद रखना 29 अगस्त इट इज दी नेशनल स्पोर्ट्स डे. ये मेजर ध्यानचंद की बर्थडे भी है. मेजर ध्यानचंद जो थे वो बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे. उसके अलावा इन्होंने इंडिया के लिए 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीते, 1928, 1932 एंड 1936. इनको सम्राट के नाम से जाना जाता था. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, इट इज अबाउट दी बदनावर. बदनावर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में है. तो बस आपको यहां पे इतना याद रखना है, बदनावर इरिगेशन प्रोजेक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है. तो ये रिलेटेड है धार डिस्ट्रिक्ट से. दूसरा जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है दैट इज खालबा. खालबा जो है, खालबा यहां पे देखिए, खालबा. तो खालबा अधाना माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, खालबा अधान माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये है खंडवा जिले से एसोसिएटेड. तो अगर आप इनकी लोकेशन देखना चाहते हैं तो ये रहा आपका खंडवा और ये रहा आपका धार. ठीक है, तो प्लीज आप बस इसी को, यही मैं आपको बताना चाहता था कि बदनावर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट है धार में बनाया जा रहा है और खंडवा जिले में बनाया जा रहा है खालवा अदहन माइक्रो सिंचाई परियोजना. क्लियर है? प्लीज आप इन दोनों को नाम से याद रखें. बदनावर धार है और उसके अलावा खंडवा से जो एसोसिएटेड है दैट इज खालबा अद हन माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, ये एक आपको पता होगा एमपी में जो है हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है. ठीक है, उस हैप्पीनेस डिपार्टमेंट ने एक क्या किया था, हैप्पीनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी. किसने? आनंद इंस्टीट्यूट ने, सॉरी. तो जो राज्य आनंद संस्थान है उसने 10 अगस्त को हैप्पीनेस कार्यशाला को आयोजित किया था. मतलब किस तरीके से एक जो एम्प्लॉयज होते हैं, या सरकारी एम्प्लॉय हो गए, प्राइवेट एम्प्लॉय हो गए, या फिर बच्चे हो गए, टीचर्स हो गए, तो ये अपने प्रोफेशन में इतने प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं, उससे रिलेटेड ये वर्कशॉप थी. और ये वर्कशॉप कहाँ पे हुई थी, बस ये बताना चाहता हूँ, भोपाल में. तो अगर पेपर में ऐसा पूछा जाता है रिसेंटली हैप्पीनेस वर्कशॉप वॉज ऑर्गेनाइज इन एमपी, वेर वॉज इट वॉज ऑर्गेनाइज, तो याद रखना इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन भोपाल. उसके अलावा एमपी में ये दिन याद रखना, एमपी में हर साल आदिवासी दिवस मनाया जाता है. तो ये आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को. और 9 ही अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है. मतलब वर्ल्ड जो वर्ल्ड लेवल पे आदिवासी दिवस होता है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, वो भी 9 अगस्त को मनाया जाता है और एमपी में भी 9 अगस्त को ही मनाया जाता है. तो याद रखना 9 अगस्त, क्योंकि देखिए एमपी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एमपी में एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए एमपी में 9 है ना, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आ सकता है. तो 9 अगस्त इट इज आदिवासी दिवस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, इट इज अबाउट दी क्या कहते हैं, एक एमपी में योजना चलती है. क्या है उस योजना का नाम? उन्नत व्यवसाय उपकरण अनुदान योजना. इसके तहत जो सरकार है
एमपी की राज्य सरकार है, वो उपकरण खरीदने के लिए यानी मशीन वगैरह खरीदने के लिए पैसे प्रदान करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। तो इसमें इसमें अब आपको बस ये नंबर से याद रखने हैं कि इस योजना के तहत उपकरण खरीदने के लिए 10% यानी जितने की भी मशीन होगी या तो उसका 10% या फिर 5,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। तो प्लीज ये नंबर याद रखो, पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है, उन्नत व्यवसाय उपकरण अनुदान योजना में कितने रुपए की धनराशि दी जाती है। तो याद रखो या तो 10% या फिर 5,000 रुपए। अप्रैल 2018 के बाद उपकरण किराए के लिए बैंक में से ऋण प्राप्त करने पर ऋण का 10% अथवा 5,000 श्रमिक को 60 वर्ष की उम्र तक एक बार अनुदान की पात्रता होगी। मतलब अगर कोई किराए पे कोई मशीन लेता है 2018 के बाद तो उसको 10% या फिर 5,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। मतलब जो उसे ब्याज लगेगा ना तो वो उसकी माफी मिल सकती है, लोन वेवर मिल सकता है। ठीक है, तो बस दीज आर दी टू नंबर्स विच यू नीड टू रिमेम्बर फॉर उन्नत व्यवसाय उपकरण अनुदान योजना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो जो एसोसिएटेड है दैट इज उत्कृष्ट सहायता योजना, यानी इसको अगर इंग्लिश में चेंज करते हैं हम लोग तो फ्यूनरल असिस्टेंस स्कीम। इस स्कीम के तहत 5,000 राशि की को उपलब्ध करवाया जाता है। मतलब मान लीजिए किसी की काम करते वक्त डेथ वगैरह हो जाती है तो उसको 5,000 रुपए की राशि मिलती है। उसके अलावा अगर मान लो कोई डिसेबल्ड हो जाता है तो उसको सीएम जन कल्याण संबल योजना के तहत उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे, फिर चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो। तो प्लीज ये वैल्यूज याद कर लीजिए क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है कि फ्यूनरल असिस्टेंस स्कीम में कितने रुपए का प्रावधान है, तो 5,000 रुपए का प्रावधान है। सिमिलरली जन कल्याण संबल योजना के तहत अगर मान लीजिए किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। अगला इंपॉर्टेंट इवेंट या न्यूज कह लीजिए तो ये है आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर से एसोसिएटेड। कहां से? मध्य प्रदेश के जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्या किया जा रहा है, कैंसर हॉस्पिटल खोला जा रहा है। क्या खोला जा रहा है? कैंसर हॉस्पिटल। तो ये देखिए उच्च स्तरीय स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है, कहां पे? जबलपुर में। इंस्टीट्यूट में 120 करोड़ की लागत आएगी और इसमें 75% भारत सरकार रुपए दे रही है और 25% राज्य सरकार रुपए दे रही है। तो याद रखना हाई लेवल स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट अगर पूछा जाए कहां पे खोलने की बात की गई है तो ये हाई लेवल स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है आपका जबलपुर में, जिसमें नेशनल गवर्नमेंट यानी सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो 75% का खर्चा उठाएगी और 25% का खर्चा एमपी की राज्य सरकार उठाएगी। क्लियर हो गया? अगला इंपॉर्टेंट इवेंट, इट इज अबाउट दी बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे हैं उनके एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। तो जो भी बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे हैं अगर वो मान लीजिए सिविल सर्विसेज में की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एमपी में एक स्कीम चलती है। क्या चलती है? पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए देखिए क्या प्रावधान है इसमें। इसमें अगर मान लो वो प्रारंभिक यानी प्रिलिम जो प्रिलिम्स वाला एग्जाम होता है अगर उसको क्लियर करता है तो उसको 25,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है, अगर वो मेंस वाला एग्जाम क्लियर करता है तो उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। ठीक है, 50,000 साक्षरता के बाद चयन होने पर और 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है राज्य लोक। अब बात यह है अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो राज्य मतलब यानी जो एमपीपीएससी वाला एग्जाम है अगर वो क्लियर करता है प्रीलिम्स वाला तो उसको 25,000 रुपए और क्या कहते हैं उसमें बाकी इसकी डिटेल दी हुई है, ब्रेकअप दिया हुआ है कि कितने कितने रुपए दिए जाएंगे, कि 15,000 रुपए मुख्य परीक्षा, 5,000 रुपए उत्तीर्ण करने पर 5,000 तथा साक्षरता के बाद चयन होने पर 10,000 रुपए, तो टोटल 25,000 रुपए दिए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो याद रखना अगर यूपीएससी में प्री और मेंस क्लियर करता है कोई बैकवर्ड क्लास का बच्चा एमपी में तो उसे 25,000 रुपए प्रीलिम्स पे और 50,000 रुपए मेंस पे, और अगर कोई एमपीपीएससी का एकदम क्लियर करता है तो टोटल 25,000 रुपए मिलते हैं, 15,000 रुपए मिलते हैं। ये उन्होंने बताया रखा है कि मेंस एग्जाम देने पर 5,000 रुपए प्रीलिम्स पे और 10,000 रुपए पूरा एग्जाम क्लियर करने पर, तो टोटल 25,000 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट फिर वही पिछड़े वर्ग के बच्चों के बारे में है। अभी जैसे मैंने बताया ना पिछड़ा वर्ग प्रोत्साहन योजना, उसी के तहत अगर कोई ऐसा बच्चा है जो किसी प्रोफेशनल एग्जाम को क्लियर करता है, प्रोफेशनल एग्जाम जैसे कि सीए का एग्जाम हो गया, तो ऐसा कोई एग्जाम क्लियर करता है तो उसे 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है अगर वो प्रथम स्थान पे आता है, और 50,000 की राशि दी जाएगी अगर वो दूसरे स्थान पे आता है, और 25,000 की राशि दी जाएगी अगर वो तीसरे स्थान पे आता है।
तो ये है प्रोफेशनल एग्जाम्स के बारे में, पिछड़ा वर्ग प्रोत्साहन योजना। अगर उसी में आपने देखा कि उसमें यूपीएससी के लिए भी कवर किया जाता है, एमपीपीएससी के लिए कवर किया जाता है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस के लिए भी कवर किया जाता है। अब बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट इवेंट, और ये है आपके अटल बिहारी वाजपेयी जो स्वर्ग सिधार गए हैं, तो उनके बारे में। तो मध्य प्रदेश में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे 3 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है। ये पुरस्कार कविता, पत्रकारिता एवं सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिए जाएंगे। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पोएट्री से रिलेटेड है तो उसको ये प्राइज मिल सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्या कहते हैं इसे जर्नलिज्म से एसोसिएटेड है तो उसको ये प्राइज मिल सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम से रिलेटेड है तो उसको ये प्राइज। तो इन 3 फील्ड में 3 प्राइज दिए जाएंगे, और एमपी ने अब ये 3 प्राइज अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इंस्टीट्यूशनलाइज किए हैं। प्लीज याद रखना, आपको ये भी पता होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न भी मिला है, और इन्हीं की बर्थडे के दिन जो 25 दिसंबर को पड़ती है उसको गुड गवर्नेंस डे के तौर पे भी मनाया जाता है इंडिया में। प्लीज डू रिमेम्बर। मध्य प्रदेश में श्रमिक यानी लेबर क्लास के जो बच्चे होते के जो बच्चे होंगे के लिए 4 श्रमोदय विद्यालय का नाम श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखने की बात की गई है। मतलब जो लेबर के बच्चे होते हैं ना, उनके जो स्कूल्स हैं उन स्कूल्स के नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखे जाएंगे। तो बस ये बात याद रखना कि एमपी में ये 3 अवार्ड इंस्टीट्यूशनलाइज किए गए हैं। तो अब पेपर में ये पूछा जा सकता है, रिसेंटली इंस्टीट्यूशनलाइज अवार्ड ऑन द नेम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी विल बी गिवन इन द फील्ड ऑफ, तो पोएट्री, जर्नलिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में इन अवार्ड्स को दिया जाएगा। सो प्लीज एंड प्लीज डू रिमेंबर दीज अवार्ड्स। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। अगर आपको कहीं पे कोई भी क्वेरी, डाउट वगैरह आता है तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। आप लाइक करके बताएं ये लेक्चर कैसा लगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको कंटिन्यूअस अपडेट आते रहें। उसके अलावा अगर आपको लगता है दीज लेक्चर्स आर वर्थ वॉचिंग, दीज लेक्चर्स आर गुड फॉर एमबीपीएससी, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, बेस्ट ऑफ लक।